राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष मनोज सिंह के भिलाई आगमन पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला दुर्ग के महामंत्री शशांक शर्मा एवं राष्ट्रीय बजरंग दल जिला दुर्ग के महामंत्री कुंदन फेकर व उनकी टीम द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अध्यक्ष मनोज सिंह भिलाई पहुंचकर युवाओं के अंदर हिंदुत्व को जगाने के लिए हुंकार भरी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के नेतृत्व में युवाओं का आयाम राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज सिंह का एक दिवसीय दौरा छत्तीसगढ़ में हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज सिंह के द्वारा प्रदेश के कार्यकर्ताओं की बैठक एक निजी होटल सुपेला भिलाई में आयोजित की गई, जहां मां भारती के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और विधि अनुसार अतिथियों का पुष्प माला के साथ स्वागत किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में हिंदू अब सुरक्षित नहीं है, कहीं हिंदू का गला काटा जा रहा है और कहीं जलाया जा रहा है। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हो रहे हैं, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, उनके 35-35 टुकड़े हो रहे हैं, गौ माता को रोज तस्करी किया जा रहा है और रोज गौ माताएं काटी जा रही हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ तस्करी बहुत ही चरम सीमा पर है। राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश में देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रहा है, जिसमें हजारों हिंदू योद्धा जुड़े हुए हैं। संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए देश में 1,00,000 गांव में हनुमान चालीसा केंद्र चलाने का लक्ष्य भी दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय बजरंग दल की सदस्यता अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी 1,00,000 राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्य बनकर देश धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य करेंगे। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है। हिंदू हेल्पलाइन के द्वारा पूरे देश में हिंदुओं की मदद भी की जा रही है। एक मुट्ठी अनाज योजना द्वारा करोड़ों भूखों को भोजन भी दिया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज सिंह ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अपनी बात को बुलंदी से उठाया और समाप्त किया। छत्तीसगढ़ में पहली बार आना हुआ और राष्ट्रीय बजरंग दल के ये जो धर्म योद्धा हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2,00,000 नौजवानों को संगठित कर राष्ट्रीय बजरंग दल के साथ जोड़ने का संकल्प है। पूरे भारत में 20,00,000 से अधिक हम युवकों को जोड़कर इस भारत के छात्र तेज को इस सनातन से जोड़ना चाहते हैं। जो सनातन को गाली दे रहे हैं, उनको पता नहीं है कि यह सनातन अब बाबर और गौरी और गजनी का नहीं है, यह सनातन हनुमान का है। और ये उस हनुमान की पूजा, ये उस राम की पूजा करते हैं जो लंका को दहन करते हैं। तो अब भारत भारत है, भारत इंडिया नहीं है। और ये जो सिरफिरे लोग हैं, जो उदयनिधि जैसे लोग हैं, जिनको अपने 2 रुपये में, 2 किलो अनाज में जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, जिनके पूर्वजों ने, वो सनातन को चुनौती देने चले हैं। सनातन कोई मिट्टी का ढेला नहीं है जो इसे मिटा सकेंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल में क्षमता है ऐसे लोगों को नकेल कसने के लिए। बैठक में महामंत्री बेटू चंदेल, प्रांत महामंत्री दीपक दुबे, प्रांत अध्यक्ष महेंद्र साव, प्रांत संगठन मंत्री राहुल वाडिवा, कार्य अध्यक्ष भीम साहू, महामंत्री भुवनेश्वर सेन, उपाध्यक्ष विक्रांत शर्मा आदि प्रांत व जिले के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।